हेलो एवरीवन, आई एम गुरु। आई एम राजा। वेलकम टू द योगा कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड ऋषिकेश। सो हम अभी आ गए हैं यहाँ पे रामझूला में, और रामझूला के पास एक बीच है सामने। तो अगर आप रामझूला घूमने आ रहे हैं ऋषिकेश में, तो आप बीच में घूमने आ सकते हैं, जहाँ का शाम का व्यू ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर है। आपको यहाँ ज़रूर आना चाहिए, विज़िट करना चाहिए एक बार। सो हम आपको दिखा रहे हैं अब रामझूला, तो शाम का व्यू है। 4 o'clock का व्यू है ना, 4 बजे में इस टाइम पे, और आप देख सकते हैं जितनी शाम होती जाएगी ये व्यू उतना ही सुंदर होता जाएगा। और इसके पास का बीच है, जैसे कि आपने देखा कि हम काफ़ी टाइम से यहाँ पे रामझूले के बीच को एक्सप्लोर कर रहे थे और थोड़ा एंजॉय भी कर रहे थे। हम काफ़ी टाइम रुके यहाँ पे, लगभग 1 घंटा रुके, और हमने काफ़ी एंजॉय किया। और इसके बाद हम जा रहे हैं त्रिवेणी घाट, जहाँ पे हम देखेंगे गंगा आरती। ओके, देन आपको मिलते हैं गंगा आरती पे। Thank you.
माँ गंगे की आरती साथ आज गंगा जी की आरती साथ के आज भाई आरती आज भाई लो आरती लेते जा लो माँ गंगा की आरती साथ के जिसमें। सो अभी हम आ गए हैं यहाँ पे जानकी पुल पे और जानकी पुल से आप जा सकते हैं 84 कुटिया अगर आपको जाना हो देन और आपको नीलकंठ जाना हो तो यहाँ से आप जा सकते हैं। और यहाँ पे आप सबको पता है कि 3 पुल फेमस है, एक तो रक्तमंजुला, एक रामजुला और एक जानकी पुल। पर मैं जानकी पुल सबसे अच्छा लगा क्योंकि ये अभी नया बना है तो यहाँ पे थोड़ी लाइटिंग वाइटिंग अच्छी है और रात का व्यू इज़ टोटली इनक्रेडिबल, तो आपको रात का व्यू ज़रूर लेना चाहिए यहाँ पे। इन्हीं सब खूबसूरत यादों के साथ हमारे ऋषिकेश का सफ़र यहीं पे समाप्त होता हुआ। होप करते हैं कि जब अगली बार ऋषिकेश आना हो तो बसी चीज़ों को भी एक्सप्लोर करें, लाइक बंजी जंपिंग, राफ्टिंग, कैंपिंग, वाटरफॉल एक्सेट्रा। तब तक के लिए सी, हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।